गुड इवनिंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर। इसके मैंने फर्स्ट 16th क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के मैंने करवा दिए थे, आपको याद होगा। ठीक है, फर्स्ट 16th क्वेश्चन हमने इसके फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके थे। ठीक है, 17th क्वेश्चन से हम इसके स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें इसके पहले, फिर आगे करते हैं। ठीक है, देखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 पार्ट्स हैं, 5 में से कोई 4 पार्ट करने होते हैं। ठीक है, देखो 17th क्वेश्चन ध्यान से देखना। एक सन रूम है, ठीक है, जहाँ पे धूप वगैरह आती है। ठीक है, जिसमें धूप अच्छी होते आते थे, जैसे एक ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये सन रूम बना हुआ है। ठीक है, चलो देखो, पहले स्टेटमेंट रीड करो अच्छे से। द डायग्राम शो द प्लांट्स फॉर ए सन रूम। डायग्राम किस चीज़ का दिया हुआ है? सन रूम का। ठीक है, जहाँ पे धूप अच्छे से आएगा, ऐसा कमरा जहाँ पे धूप अच्छे से आती है। इट विल बी बिल्ट, जिसको बनाया गया, ऑन टू द वॉल ऑफ ए हाउस, घर की दीवारों से बनाया गया। द फोर, ठीक है, 4 वॉल जिसकी 4 दीवारें हैं, ऑफ द सन रूम आर स्क्वायर, जिस 4 दीवारें के शेप में है, स्क्वायर की शेप में है। क्लियर ग्लास पेंसिल्स, ठीक है, पैनल जो जिससे 4 दीवारें किससे बनाई गई हैं, शीशे से बनाई गई हैं। ठीक है, द रूफ इज मेड यूजिंग, कहते हैं जिसका फर्श है वो बनाया जाता है किससे, यूजिंग द 4 क्लियर ग्लास। कहते हैं जो फर्श है वो भी, जो छत है वो भी, जो इसकी छत है वो भी किससे बनाई जाती है, शीशे से बनाई जाती है, 4 दीवारें भी और छत भी। ट्रेपीजियम इन शेप, जो ट्रेपीजियम की शेप में, ऑल द सेम साइज, और सेम साइज है। 1 टेंटेड ग्लास पैनल हाफ ए रेगुलर ऑक्टागन इन शेप। ठीक है, जो लिखा है वो लिखा रहे, आपने इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं देखनी। ठीक है, सीधा ये इसको देख लो बस। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, अगर सामने से देखें तो हमारा जो सनरूम है वो ऐसा दिखाई देता है, और छत से देखें, ऊपर से देखें, टॉप व्यू तो ऐसा दिखाई देता है, और सामने से फ्रंट व्यू ऐसे दिखाई देता है, यानी एक तरह से ये है। ठीक है, ये रफ बनाया गया है। ठीक है, ध्यान से देखो आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बेस्ड ऑन द एबव सिचुएशन, कहते हैं जो ये सिचुएशन थी इसके बेस पे ही ये क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर दे दो। पढ़ो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ, देखो डायग्राम तो बिल्कुल बेकार सा डायग्राम है, लेकिन इसके क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान से हैं। देखो, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट जे 6, 17 और आई 9, 16 रेफर टू द टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू से कह रहा है हमारे पास एक जे दिया हुआ है, एक आई दिया हुआ है, कह रहा है इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल कर दिखा दो। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट, आपने इसमें देखने की जरूरत ही नहीं, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया है ना। देखो, तो उसमें डायग्राम का तो कोई लेना देना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। देखो, एक हमारे पास ये जे है, ठीक है, और एक हमारे पास ये आई है। जे के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6, 17 और आई के कोऑर्डिनेट है 9, 16। कह रहे हैं इसका मिड पॉइंट निकाल कर दिखा दो, बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात है। मिड पॉइंट दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड, फर्स्ट वाला फर्स्ट में प्लस कर दो 2 से डिवाइड कर दो, सेकंड वाला सेकंड में प्लस कर दो, 17 + 16 डिवाइड बाय 2 हो गया, है ना। 6 और 9 कितना बन गया, 15/2, इनको प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 33, डिवाइड में कितना आ गया 2, तो 15/2 13 3/2। देखो इसके ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये रखो, ये मिल गया ना 15/2 33/2, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख देना, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 3। क्लियर है बेटा, चलो इसी का ही सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, बी, बी वाला पार्ट पढ़ो ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, कहते हैं रेफर टू द टॉप व्यू इज, कहते हैं पी वाला जो पॉइंट है वाई एक्सिस से कितनी दूर है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, कहते हैं जो पी वाला पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितनी दूर है। देखो ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई लाइन वाई एक्सिस है, पी का पॉइंट देखो ये रहा, ध्यान से देखो ये लगा हुआ है पी, कहते हैं पी वाई एक्सिस से कितनी दूर है। देखो ये 1, 2, 3, 4, कितनी दूर है, 4 यूनिट के डिस्टेंस पर, और ऑप्शन देखना है इसका,
ये रहा देखो बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो कितनी दूर है यहाँ से 4। तो इसका बिल्कुल सिंपल है ना, डायग्राम में देखा आंसर आ गया, देखो कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं है ना। तो इसका बी, बी का आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट, और कितना आंसर आया था इसका 4। समझ में आया ना, सी पार्ट पर आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या कहता है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है, देखो ध्यान से, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस रेफर टू द व्यू, फ्रंट व्यू, कहता है ए और एस के बीच में कितना डिस्टेंस है ये बता दो, ए और एस के बीच में कितना डिस्टेंस है सिर्फ ये निकाल के दिखा दो। देखो देखो बेटा, ए और एस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला है ए, ये वाला है एस, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल कर दिखाना है। देखो बेटा क्या कह रहे हैं इसमें, ए और एस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, काउंट कर लो, देखो देखो ये रहा ए, ये लिखा हुआ एस, कह रहे ए और एस के बीच में कितना डिस्टेंस है, काउंट करो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है ना, कितने बन गए 16। तो ये देखना इसके ऑप्शन में मिल रहा है कहीं पे, ये रहा देखो इसका ये सी पार्ट था, थर्ड का 16, ये देखो मिल गया ना यहाँ से, बिल्कुल सिंपल, इसका 16 था, इसका ये हो गया है ना, देखो कुछ था इस क्वेश्चन में, सी का थर्ड पार्ट कितना आ गया 16। समझ में आया, नेक्स्ट डी पार्ट पर आ जाओ। डी में क्या कहते हैं देखो ध्यान से, डी पर चलो, डी की पहले स्टेटमेंट पढ़ लो अच्छे से, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दो विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 में। दोबारा पढ़ो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी, ए और बी को ज्वाइन करो और उसको डिवाइड करो इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। ये सेक्शन फार्मूला है ना क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे रेशियो आ जाती है ए और बी, तो चलो पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर से हम सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। चलो ए देखो ये लिखा हुआ है, बी ये लिखा हुआ है ना, तो ए के कोऑर्डिनेट निकालो पहले, ए के पहले देखो ए की सीध में कहाँ पर जाएगा 1, तो ए के कोऑर्डिनेट एक तो आएंगे 1, ठीक है ना, नेक्स्ट, और ए की सीध यहाँ से ना देखो कितना था, ये 1 की सीध में जा रहा है ना 1, तो ऊपर काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे 1 और 8। समझ में ना, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 और 8। समझ में है ना, बी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखो बी यहाँ पर है, देखो ये बी जा रहा है ना यहाँ पे, देखो कितने दूर है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, एक्स वाई लाइन से कितनी दूर हो गया 5, तो बी के कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे 5। चलो वाई वाई लाइन से ऊपर की तरफ चलो, देखो कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, तो बी का यहाँ से था ना कितना बन गया था 10, 5 और 10, तो ए के कोऑर्डिनेट भी आ गए, बी के भी आ गए, ये 5, 10 है, ये 1, 8 है, देखो तो ये ए और ये बी, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने बन गए 1, 8, और यहाँ पर कितना था 5, 10, और किस रेशियो में डिवाइड करना है इसको 1:3 में, तो मेरे को इसके कोऑर्डिनेट निकाल कर दिखाने हैं पी के, तो इसको लिख लो हम एक्स वाई, सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो इसको बोलते थे हम x1 y1, और यहाँ पर हम क्या लिखते थे x2 y2, तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले में इसको लेफ्ट में लिखो पी एक्स वाई, कैसे बताया था आपको याद है, तो पहले 1:3 है तो इसको 4 बार लिखो, 1+3, 1+3, 1+3, 1+3, हो गया 4 बार, यहाँ x1 लिखते हैं, यहाँ x2, यहाँ पे y1, यहाँ y2, तो इधर आएगा x1 कितना हमारे पास 1, यहाँ पर आएगा x2 कितना है 5, यहाँ पर आएगा y1 कितना है हमारे पास 8, यहाँ पर आएगा y2 की जगह यहाँ लिख दें 10, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर कितना आ जाए 5, 5 और 3, 8, नीचे कितना आ गया 4, यहाँ से 10, 10 और 24, 34 हो जाएगा, बाई कितना 4,
ठीक है, 4 2 जा 8, 2 पे कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 2 7 14, तो यहाँ से आ गया 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 16, 2 5 10, तो कितना आ जाए 2 और 8.5। देखो इसके अंदर ऑप्शन है ये वाला, देखो ये रहा 2 और 8.5 मिल गया, देखो फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो डी का कौन सा आ जाएगा फोर्थ पार्ट, समझ में आया ना। चलो एक लास्ट पार्ट और है इसका, तो फिर ये वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखो अब वो क्या कहते हैं, पढ़ो ई पार्ट में क्या कह रहा है, पढ़ो लास्ट वाला। इफ़ ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस के क्वेश्चन कराए थे चैप्टर में हमने, इफ़ ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट क्यू और एस से, कहते हैं पी वाला पॉइंट इस क्यू और एस से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो कहते हैं उसकी इक्वेशन क्या बनेगी ये हमने बतानी है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में आ चुका है। ठीक है, देखो देखो टम पी का पॉइंट्स हमारे पास क्या लिखते थे हम, एक्स वाई, और साथ में क्या है हमारे पास यहाँ पे है क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट है हमारे पास यहाँ पे 9 और 8, और यहाँ पर है हमारे पास एस, एस के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 17 और 8। कहते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है ये हमने बताना है, पी को क्यू के साथ, क्यू पी को एस के साथ, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ये गिवन है, पी क्यू किसके इक्वल है, पी एस के साथ, ये इक्वल है ये गिवन है। ठीक है ना, तो चलो पहले पी क्यू निकालें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालें, कैसे, फर्स्ट में से फर्स्ट वाला पॉइंट माइनस कर दो ऊपर स्क्वायर प्लस, सेकंड में से सेकंड पॉइंट माइनस कर दो ऊपर स्क्वायर, पूरे के ऊपर रूट लगा दो। पी एस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस कर दो ऊपर ये स्क्वायर प्लस, सेकेंड में से सेकेंड माइनस कर दो ऊपर ये स्क्वायर, और ये रूट आ जाएगा। अब क्या करें, जब दोनों तरफ रूट है तो स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, यहाँ हमने लेफ्ट के ऊपर स्केयर कर दिया, यहाँ राइट पे स्केयर, स्केयर से रूट कट गया, स्केयर से रूट कट गया, यहाँ से रह गया एक्स माइनस 9 होल स्केयर, वाई माइनस 8 होल स्क्वायर, एक्स माइनस 17 स्क्वायर, वाई माइनस 8 होल स्क्वायर। ठीक है, इस ब्रैकेट से ये वाली पूरी ब्रैकेट कट गई क्योंकि यहाँ पे प्लस है, दोनों सेम ब्रैकेट थी इसलिए मैंने इधर ला के इसको काट दिया। x माइनस 9 होल स्केयर, x माइनस 17 होल स्केयर, इसका होल स्केयर खोलते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इधर भी होल स्केयर खोल दो, ए स्केयर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ठीक है, ऐसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 का स्क्वायर 81, 2 9 18x, 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो 289 आ जाए, 17 को 2 से 34x आ जाएगा। अब x वाली टर्म एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर लो, माइनस 18x प्लस 34x, तो यहाँ से 289 माइनस 81, 34 में से माइनस करो, 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16x, तो 9 में से 8 बन गया 8, 8 में से 8 गया 0, तो यहाँ पे 2, 16 से इसको डिवाइड कर दो, 208 डिवाइड बाय 16, 4 4 16, 4 5 20, 4 2 8, 4 1 4 3 12, 13 लेफ्ट में ले जाओ, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये आंसर देख लो ऑप्शन जल्दी से इसका, ठीक है ये रहा देखो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, सेकंड। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट इसका ये आंसर आ गया, समझ में आया बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे तुक्के मत मारा करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। चलो अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आपको पता होगा, याद है आपको मैंने क्या पढ़ाया था, सिमिलर ट्रायंगल कौन सी होती हैं, एक ट्रायंगल ये छोटे वाली, एक ट्रायंगल ये बड़े वाली, ठीक है ना, ए बी सी, यहाँ पर है डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ऐसे लिखते हैं इसको। सिमिलर का मतलब क्या होता है, कि अगर मैं लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर देता हूँ, ए बी को डी ई से डिवाइड कर दो, नीचे वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से डिवाइड कर दो, और राइट वाली लाइन को राइट लाइन से डिवाइड कर दो, ठीक है, आंसर क्या आता है, सेम। जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करते हैं, और इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाती हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं, और उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के साथ इक्वल होता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ इक्वल होता है, राइट वाला राइट। जब भी सिमिलर आएगा तो एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, बस समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 18, देखो ध्यान से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 18th क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई 4 करने होते हैं। ठीक है, देखो स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी, ठीक है सिमिलैरिटी बताना है, स्केल फैक्टर क्या लेना है,
कहता है कि एक स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप। चलो इसको छोड़ो, देखने की जरूरत नहीं, सिमिलर का मीनिंग ही दिया हुआ है कि सिमिलर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, कैसे हम सिमिलर निकालते हैं वो हम क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये है, देखो ये डायग्राम बने हुए हैं इसके, ठीक है ना, ये सिमिलर के डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल एरी, एक ट्रायंगल एरी, ठीक है, एक ट्रायंगल एरी, एक ट्रायंगल ये बनी हुई है, रिफ्लेक्शन है इसकी सारी, ठीक है ना। लेफ्ट को नीचे से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, आंसर सेम आता है। ऐसे ये दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर हैं, ये दो ट्रायंगल हैं सिमिलर हैं ये, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, रोटेशन और टर्न भी बोलते हैं, एक ट्रायंगल ये रही, एक ये, तो उन्होंने एक दूसरे को रोटेशन करी गई है, ठीक है, रोटेट करी, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन कह लो या इसकी फ्लिप कह लो, एक ही बात है, ठीक है। और ये क्या है, ट्रांसलेशन और स्लाइड, ठीक है, ये ट्रांसलेशन उसकी स्लाइड नीचे बनी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने हमारे पास ये डायग्राम बने हुए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना, सिर्फ आपको सिमिलर का मीनिंग पता होना चाहिए बस, ठीक है। ये तो डायग्राम तो सिर्फ उलझाने के लिए दिए हुए हैं बस। हैंस टू शेप्स आर सिमिलर, कहते दो शेप क्या हैं, सिमिलर हैं, वेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर ए रीसाइज, कहता है कि दो दो शेप हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं अगर वो क्या कर दें, आफ्टर में रीसाइज हो जाएं, रीसाइज मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, फ्लिप कर दें, ठीक है, आगे इस तरह से फ्लिप कर दें, स्लाइड कर दें या उसको टर्न कर दें, तो वो क्या कहलाती हैं, बस छोटा बड़ा कर दें, ऊपर नीचे रख दें, लेफ्ट राइट में रख दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेस्ड ऑन द एबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, इन क्वेश्चन का आंसर दो। ए मॉडल ऑफ ए बोट, ये क्या है, मॉडल है, और ये क्या बनी है, एक बोट है, ये समुंदर है, समुंदर के अंदर ये बोट चल रही है, और ये उसका क्या बनाया गया, मॉडल, ये थर्माकोल का बना हुआ है ना, तो जैसे ये है ऐसे ही ये बनाया गया, ठीक है ना। चलो अब वो क्या कहता है, पढ़ो, ए मॉडल ऑफ ए बोट इज मेड, कहता है एक मॉडल बनाया गया बोट का, ठीक है, ऑन द स्केल कितना है, 1:4 है, ठीक है ना, इसका यानी कि मैं इसकी लेंथ को इससे डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 1/4, अगर इसकी ब्रेड्थ को इससे डिवाइड कर दूँ तो 1/4, देखो लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दो 1/4, इसको इससे डिवाइड कर दो 1, इसको इससे करना है, ठीक है, इस लेंथ को इससे डिवाइड कर दो 1/4, इसकी ब्रेड्थ को ब्रेड्थ से डिवाइड कर दो 1/4, हाइट को हाइट से डिवाइड कर दो 1/4 आता है, ठीक है ना। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये मॉडल है, कह रहे इसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है, देखो मैंने यहाँ लिख देता हूँ 120 सेंटीमीटर ये इसकी, ठीक है, ये लेंथ हो गई, ठीक। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज ए विड्थ 60 सेंटीमीटर, कह रहे इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ ऐसे हो गई, ठीक है ना, ये वाली विड्थ कितनी है इसकी 60, ठीक है, ये वाली तो है विड्थ इसकी 60 और ये लेंथ 120 है। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ स्केल मॉडल, कहते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है ये बता दो, तो इसकी विड्थ को मैंने मान लिया कितना है इसका, ये एक्स है, मेरे को ये एक्स फाइंड करके दिखाना है। अभी अभी आपको क्या गिवन था कि लेंथ को लेंथ से डिवाइड करते तो 1/4 और इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 1/4, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 1:4 मतलब 1/4, तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितना आना चाहिए 1/4, देखो तो फर्स्ट पार्ट ए, तो एक्स को 60 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1/4, 60 को ऊपर ले जाओ तो एक्स किसके इक्वल बन जाएगा 60/4, 415, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 15 के, ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखो तुम्हारे पास इसका ऑप्शन कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ हमारे पास कहाँ गया, ये रहा देखो 15th हमारा पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 18th का थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड ये एक 18 का ए का थर्ड पार्ट बन गया, ठीक है। बी पार्ट पर करते हैं इसका, चलो इसी का बी पार्ट पढ़ो आगे क्या कहते हैं। व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन, कहता है जब दो पॉलीगन्स हैं, ठीक है, उसकी सिमिलैरिटी का क्या इफेक्ट होगा ये बता दो, तो इसका हमने क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहता है पॉलीगन्स होती हैं दो और वो कहता है कि एक दूसरे के ऊपर सिमिलैरिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताना है। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजेंटली,
एक दूसरे पर हॉरिजेंटली फ्लिप करेंगे, दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन एनदर। कहते हैं कि सिमिलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाए, तो ये ऑप्शन आएगा इसका फोर्थ। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या बन जाएगा, फोर्थ पार्ट। ठीक, नेक्स्ट सी, सी वाले पार्ट पर आ जाओ। क्या कहते हैं देखो, कहते हैं कि इफ टू सिमिलर ट्रायंगल हैव ए स्केल फैक्टर ए रेशियो बी। कहते हैं कि मान लिया कि दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनका जो स्केल फैक्टर है वो कितना आता है, ए रेशियो बी, यानी कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करो आंसर ए बाय बी आ जाता है, राइट को राइट से डिवाइड करो ए बाय बी आता है। तो विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स, कहते हैं इसके हिसाब से फिर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये बता दो। कहते हैं द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर का रेशियो निकाले तो 3:2। द एल्टीट्यूड हैव ए रेशियो बी, कहते हैं ये ठीक है इसका आंसर। कैसे ठीक है देखो, इसका फिलहाल ये सेकंड वाला। कैसे ठीक है देखो, तो अगर हम सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं कि लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करो, नीचे को नीचे से डिवाइड करो, राइट को राइट से डिवाइड करो, आंसर इक्वल आता है। तो इसके जो ये एल्टीट्यूड को इस एल्टीट्यूड से डिवाइड कर दें, मान लिया एल्टीट्यूड है या 90 का एंगल बनाया ये 90, यानी अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ ए बाय बी, इसको इससे डिवाइड करूँ ए बाय बी, इसको इससे ए बाय बी, और इसके एल्टीट्यूड को एल्टीट्यूड से डिवाइड करोगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, ए बाय बी, यानी कि ए रेशो बी ही आएगा हमारे पास। समझ में आया ना, ठीक है, यही हमारे पास आंसर है। द एल्टीट्यूड हैव ए रेशियो, कितना, ए रेशियो बी। समझ में आया बेटा, ठीक है। डी पार्ट पर आ जाओ, डी पार्ट में वो क्या कहता है पढ़ो। द शेडो ऑफ ए स्टिक, द शेडो ऑफ ए स्टिक, एक स्टिक है, कहते हैं उसकी जो लेंथ है 5 मीटर है, लॉन्ग 2 मीटर है। देखो जैसे हमारे पास एक स्टिक बनी हुई है, ये स्टिक है, देखो ये स्टिक लिखा हुआ है ना, ये स्टिक है और ये ट्री है, ये स्टिक है, स्टिक की शेडो है, ये ट्री है, ये ट्री की शेडो बनी हुई है, दो हैं, ये पेड़ है, पेड़ की छाया, ये डंडी है, डंडी की छाया। ठीक है, आप पढ़ो ध्यान से। द शेडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग, कहते हैं जो स्टिक है वो 5 मीटर लंबी है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। फिर कहता है कि इसकी जो शेडो है वो 2 मीटर है, ये इसकी शेडो है और शेडो कितनी दी हुई है इसकी, 2 मीटर, ठीक है, शेडो 2 है और ये स्टिक की लेंथ कितनी है, 5 है। अगली लाइन पढ़ो, कहता है कि एट द सेम टाइम, सेम समय में, द शेडो ऑफ ए ट्री इज 12.5 मीटर हाई एज, द टाइम द शेडो ऑफ ए ट्री, कहते हैं ट्री की शेडो कितनी होगी ये बता दो, ट्री की लेंथ कितनी है, 12.5, ये इसकी लेंथ दे रखी है 12.5, और कहते हैं कि इसकी शेडो कितनी बनेगी ये हमने बताना है। तो मान लिया इसकी शेडो कितनी है, ये एक्स है, ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है, ये शेडो दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है, ये शेडो दे रखी है, ये हमने एक्स निकाल के दिखाना है। अब ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हैं, अगर सिमिलर हैं तो इसको इससे डिवाइड कर दो और इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आंसर सेम आएगा ना। देखो मैं एक्स को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, नीचे वाले नीचे, राइट लेफ्ट को इससे डिवाइड कर देते हैं, 12.5 को और 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, देखो इसको डिवाइड कर दो आंसर आ गया, 2 से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 5 10, 12 24 और 125 आ जाएगा, नीचे कितना आ गया, 5, 5 से डिवाइड कर दो कितना बन जाएगा, 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, यानी शेडो की लेंथ कितनी आ जाएगी, 5। ऑप्शन देखो इसका कौन सा है, ये वाला फोर्थ, ठीक है ना। तो डी वाले का भी आंसर कितना आ गया, फोर्थ, तो डी का हमारे पास ये फोर्थ आंसर आ गया। में कितना आया था इसका, 5 मीटर। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, पांचवा पार्ट। अब इसके अंदर से हमारे पास 5 पार्ट थे, 5 में से कोई 4 करने, तो पांचवा पार्ट देखने की जरूरत नहीं, इसका डायग्राम भी वैसे भी उलझा सा हुआ है देखो, ठीक है, तो अब इसको करने की जरूरत क्या है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 में से कोई 4 क्वेश्चन करने थे, चारों क्वेश्चन हमारे अटैम्प्ट हो चुके, तो अगला पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।